रही है पत्तों की सब्जी। आज हम लोग भेड़ बकरी बनने वाले हैं। जंगली तमन्ना भाटी। बस थोड़ा सा और आखिरी नीचे है। मेरे फूफा जी ने, सगे फूफा जी ने नहीं, दूसरे फूफा जी ने, मतलब हाँ वही कजन वाले, लड़की के लिए, मतलब ग्रुप के लिए, मैं नाम नहीं लूंगी, छोड़ा था मैंने उसको। वो भी मेरे साथ नहीं है, वो भी मेरे साथ उसी साल रहा। तो अगर ये आप लोगों के लिए भी सीख है कि अगर आप लोगों के कोई फ्रेंड है जो बहुत सालों से आपका साथ है, और अगर वो गाना सुना था चाहते नहीं कोई रिश्ते पुराने किसी नए के आ जाने से, तो वही है कि कोई आता है तो उसके इन्फ्लुएंस हो के अपने जो पुराने दोस्त हैं उनको मत हर्ट करो, उनको मत छोड़ो। तो ठीक है ना, उसके बाद से मेरी कोई दोस्त नहीं बनी। वो कुदरत का ऐसा खेल रहा है कि क्या रहा है, मैंने मतलब दोस्त बने ऐसे, दोस्त सभी मेरे, बट ऐसे कोई बेस्ट वाले नहीं। और आज वेलकम बैक टू माय चैनल एवरीवन, मैं हूँ आरती विश्वकर्मा और आपका मेरे चैनल में स्वागत है। और आप लोगों को जो जो मुझे जानते हैं, बहुत सारे लोग मुझे DM करके पूछ रहे हैं कि व्लॉग क्यों नहीं आ रहे हैं और वीडियो क्यों नहीं आ रहे हैं, तो आप लोगों को पता ही होगा या एहसास हो गया होगा कि मेरी तबीयत ख़राब है इसलिए नहीं आ रहे। लेकिन अब पहले से काफ़ी सही है, मुझे रेस्ट मिला था 15 दिन का ऐसी कुछ, तो अब मैं काफ़ी बेटर फील कर रही हूँ। और ये जो था व्लॉग मैंने पहले बनाया था, अब उसके बाद इंट्रो शूट कर रही हूँ क्योंकि मुझे पहले से बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तो उसका भी व्लॉग बना लूँगी। पर ये अलग व्लॉग है, हाँ ये अलग व्लॉग है, ये है वही व्लॉग है, तो आप लोग देख लीजिए और आप कमेंट कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय। आ रही है पत्तों की सब्जी। आज हम लोग भेड़ बकरी बनने वाले हैं। ये कौन से कुचई के पत्ते हैं ना, कुचई के पत्ते बोलते हैं, अरबी के पत्ते भी बोलते हैं इसको। हाँ वही, कुछ भी बोल लो, नहीं तो सब जगह पत्ते तो पत्ते होते हैं, सब जगह अलग अलग कहते हैं ना, ये तो मजा आता है। मुझे इतना ये कुछ खास लगता नहीं है, पर फिर भी अच्छा नहीं लगता। नहीं अभी इसमें क्या करेंगे कि ये बेसन को इसमें रख के और स्टीम करेंगे और उसके बाद उसकी कड़ी बनाएंगे। माय गॉड, बेसन का लेप लगा रहा है, पैक लगा रहा है ये बेसन का फिलहाल, है ना। यूट्यूब में तो लोग यही खाने लगेंगे, बट ये बहुत अच्छी डिश नहीं है, बहुत ज़्यादा अच्छी है, मैं बहुत कम खाती हूँ ये अच्छी चीज़ है। ये पत्ता तो कौन खाता है भाई, बकरी खाती है, अपन बकरी नहीं इंसान है ना। लेकिन देखने में बहुत सुंदर लग रहा है, कुछ भी कहो माता श्री। तो गाइस ऐसा लग रहा है, मतलब ऐसा ऐसा लग रहा है, ये टॉप मेरे फिटिंग का था, थोड़ा सा देख सकते हैं मैं कितनी कर्वी बॉडी हूँ, मतलब पतली सी हूँ। ये मैं अभी ये मेरे को पता है पहले फैशन डिज़ाइनर बनना था, तो मैं सोच रही थी कि मैं क्या करूँ क्या करूँ। पापा की एक शर्ट थी तो उसका मैंने सोचा कि कुछ बनाते हैं, और ये मेरा ये एक वो है, क्या बोलते हैं इसको, डेमो, मतलब ये नाप है मेरा, मेरा गलत कट गया। वैसे भी कोई बात नहीं, ये फोल्ड होना ही है जाके, स्केच बहुत हार्ड है यार। पीस निकला है, इसका कोई काम नहीं है, तो इसका मम्मी से बोल दूंगी, मम्मी इसका पोछा बना दे, इसको छोड़ते हैं। और मुझे लग रहा है सिर्फ ये, जैसे कि ये है ना, जैसे ये वाले टॉप में ये बॉर्डर टाइप की लगी है, लेकिन ऐसा मेरे को मार्केट से लेके मार्केट जाना पड़ेगा लेने के लिए, और मुझे पता नहीं कि ये कहाँ मिलेगा। शायद ये लेस उधर पर मिल सकती है ना, मम्मा ऐसी वाइट कलर की लेस मेरे को चाहिए। मैंने ऐसे एक मीशो में टॉप देखा था, मीशो में नहीं, फ्लिपकार्ट में किसी में तो देखा था, उसमें था इसी टाइप की शर्ट में, तो मैं सोच रही हूँ कि इसके बाजू बाजू में यही लगा दूँ और ये यहाँ से काट दूंगी। और मुझे स्केच लेने जाना है, मेरे को संडे को जाना था स्केच लेने, लेकिन मैं सोची थी बारिश होगी तो फिर नहीं जाऊंगी, फिर उसके बाद मेरी तबीयत खराब हो गई थी तो मैं सो गई थी, फिर उसके बाद मैंने आपको बताया व्लॉग में क्या क्या हुआ इसलिए। और अब मेरे को बिहार, मेरे को अपना स्केच चाहिए, मैं बहुत ही ज़्यादा उत्सुक हो रही हूँ, मेरे को अपना स्केच चाहिए कैसे भी करके, लेकिन अब देखती हूँ मैं कल परसों तक जाऊँगी। हाँ, और पंडित जी से मुहूर्त निकलवा लिया है मैंने, ठीक है। तो आप व्लॉग देख लो, फालतू की बातें मत सुनो। गाइस ये बिल्कुल सुशी जैसे लग रहा है, सुशी मम्मी कैसे लग रहा है, सुशी। और उधर पे मेरा भ्राता सो रहा है, पता नहीं कितनी देर से सो रहा है, उठ जा 12 बजने वाले हैं। अर्चित देख हम लोग कुछ खा रहे हैं, देखना देखना। What? Bro, what are you talking about, man? जैसे ही बोला हम लोग कुछ खा रहे तुरंत उठ गया। ये देखिए, ये मैं ऐसे मतलब ऐसे नहीं खा सकते, उठा नहीं ऐसे नहीं, खुजलाता है गला, गले की टेंशन है। बाकी ऐसे सोचोगे खुजला रहा तो खुजलाता है, नहीं सोचोगे तो नहीं। बिल्कुल सुशी लग रही है, एक चॉपस्टिक बस चाहिए, देखो ये लगी।
मम्मी ने मेरा ये ट्राईपॉड तोड़ दिया। टी सबसे बड़ी दिक्कत ये है। चलो छोड़ो, मैं नहा धो के रेडी हो चुकी हूँ, और रेडी क्या हो चुकी हूँ, कपड़े भी चेंज कर लिए मैंने, मंदिर से भी होके आ गई। पता नहीं क्यों मैं दिन भर घर में रहती हूँ ना 24 घंटे, तो मेरा पक चुका है दिमाग। और मिलते थोड़ी देर से, स्क्रिप्ट भी सोचनी है। देख सकते हैं आप, ये कोरा कागज है और इसमें मैंने कुछ नहीं लिखा, मैं स्क्रिप्ट लिखने बैठी थी। तो गाइस अभी मैं बारबी डॉल बन के घूम रही थी, और अब बारबी डॉल बन के घूम चुकी हूँ मैं। आवाज मेरी अजीब सी आ रही होगी, तो अब आ रही अच्छी आवाज। मैं बारबी डॉल बन के खत्म हो चुकी हूँ, अब मैं बनूंगी जंगली तमन्ना भाटिया। जस्ट किडिंग, वो तमन्ना भाटिया का गाना था ना कावालिया, तो उसका मैं लुक करना चाहती हूँ। तो ये सोचा है कि मैंने, एक बार मैं तैयार हुई हूँ तो एक ही बार हो जाती हूँ, फिर बाद में पोस्ट करती रहूँगी, कम से कम बैकअप हो जाएगा। अभी थोड़ा अच्छा लग रहा है मुझे पहले से, आवाज़ ये अच्छी नहीं हो पर कोई बात नहीं। और उसके बाद मैंने सोचा कि इसको ऐसे करके, क्योंकि कर्ल करो तो वो हो दिक्कत जाती है, और मेरे पास कुछ है भी नहीं कर्ल करने का, और मेरे को लेना भी नहीं है क्योंकि उससे बाल डैमेज हो जाते हैं। और ये देख सकते हैं आप, वो उसी दिन की DIY शर्ट है। बाय। खतरनाक मैच है यार ये। हाँ वीडियो बना, 3-2-1 वाव, जैसे पहले खेले थे। स्पीकर चालू नहीं है, 1-2-3 लगे जो वहां के चालू। ए क्या कर रहा, ऐसे पूजा करने गई थी आज मैं। मेरे को थोड़ा अजीब लग रहा था शुरू में, फिर मैंने देखा तो सारी आंटी लोग ऐसी हो रही थी, तो मैंने भी ऐसी हो रही थी पूजा करने, पता नहीं लाइट नहीं आ रही है। तो अभी आएंगे पंडित जी लोग फलार करने के लिए हम लोगों के यहाँ, जैसे मतलब मैं उस छूट नहीं करूँगी उनको, मेरे को खुद शर्म आती है। मतलब अभी अभी बहुत अच्छा लगता है, कुछ दिनों बाद ये बंद हो जाएगा तो अजीब सा लगेगा, है ना भाई। मैं ऐसे बन के गई थी, मेरे को थोड़ी शर्म आ रही थी, पर क्या है, शर्म नहीं करनी चाहिए। ये वाव, आज आज कितनी सारी चिड़िया है यार, बाप रे कितना प्यारा लग रहा है। मम्मी मेरे को डर लगता है, कोई पूरा झुंडा आया यार आज तो, कोई आसमानी विपदा आने वाली है, पूरे इसमें चिड़िया ही चिड़िया है। देखो उस बाकी मेरे चश्मा नहीं लगाए, वहाँ देखना सही है यार आज तो, अच्छे टाइम पे आई हूँ गाइस, देखना वाओ, अब पता नहीं दिख रहा होगा कि नहीं, छोटी 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 दिख रही होंगी, देख खेल रहे हैं, देखो वाओ। अब होगा यहाँ पे, अब ये रोड चलने लगेगी, बहुत ही ज्यादा खतरनाक चीज है, बस थोड़ा सा और ऑफ ही नहीं चाहिए। ओए लेकिन लोग समझदार होते हैं, क्या पता गिर भी सकता है। आज फ्रेंडशिप डे है, और मेरी बेस्ट फ्रेंड जो हुआ करती थी 5 साल की, जो दोस्ती मैंने तोड़ी थी, मतलब 9th क्लास में लास्ट बेस्ट फ्रेंड थी जो मेरी, उसके बाद मेरी कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं बनी, और ये उसने दी थी बेस्ट फ्रेंड मम्मी का कॉफ़ी बनाने, और ये भी दिया था मुझे नज़र ईवल आई, मतलब जिसमें नज़र नहीं लगे वो वाला, लेकिन हमारी दोस्ती को किसी की नज़र लगी गई थी। और तो और 5 साल हो गए, पीछे मेरी दवाई का डब्बा दिख रहा होगा, मेरी तबीयत ख़राब है। तो 5 साल हो गए हमारी दोस्ती को टूटे हुए, और उसके बाद से मेरा कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं बन पाया अभी तक जिंदगी में, और क्या पता आगे कोई बनता है कि नहीं। ये उसके बाद, अरे थोड़ी सी ज़्यादा इमोशनल हो गई मैं, लेकिन मुझे नहीं पता वो मेरा व्लॉग देखती होगी या मुझे पता, उसको पता भी होगा कि नहीं, तो मैं ही गंवा रही हूँ पता। मैं
अच्छे लोगों के लिए मतलब क्या बोल रही हूँ, मेरे को परख नहीं है लोगों की जो कि मुझे पता है, और मैं बुरे लोगों के लिए अच्छे लोगों को छोड़ देती हूँ। बताऊँगी अपनी ड्रॉस के अंदर, सॉरी थोड़ी मेस्ड अप है, इसमें बटुआ है, इसमें मेरे पैसे हैं गाइस, थोड़ी सी गंदगी है, थोड़ी क्या बहुत ही ज़्यादा गंदगी है, जैसे स्टेपलर, ये क्या है, कुछ कुछ बैचेस, और ये पर्चा, ये सब इसमें पड़े पर्चा प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर के, स्टेपलर देख सकते हैं दो दो तीन तीन, ये पड़ा है बजाने वाला, सब ऐसी फालतू फालतू की चीज़ें। हैप्पी फ्रेंडशिप डे टू ऑल। और ये कहना कि जब तक मतलब 5 साल में जब मेरी कोई फ्रेंड नहीं थी तो मेरी मम्मी बेस्ट फ्रेंड है, तो अब मैं सोच रही हूँ कि मम्मी को कॉफ़ी पिलाऊँ, जैसे मम्मी ने आवाज़ दी है तो मम्मी को अच्छे से कॉफ़ी बना के दे देते हैं, और मम्मी के साथ ही फ्रेंडशिप डे मनाते हैं और क्या। और ये रिंग मैं हमेशा संभाल के रखूँगी, ठीक है। तो फिर मिलते थोड़ी देर से, और मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो चुकी है यार, मैं सोच रही थी कि मेरे को ज़्यादा था लेने के लिए अपना स्केच, जो कि आप लोगों ने इंस्टाग्राम में अगर देखा हो, वैसे लाइटिंग की थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो रही है, तो मैंने सोचा था कि मैं स्केच लेने चले जाऊँगी आज, पर क्या हुआ कि मैं सो गई थी, और फिर मेरी को जब पता चला कि उसका फ़ोन आया आर्ची का ही, तो तबीयत ख़राब हो गई थी, पीछे पूरा मेस्ट हो गया, ये विक्स की गोली है, ये है कुछ, और यहाँ पर पूरी टेबलेट्स पड़ी हैं। तो अब मेरे को 14 डेज का रेस्ट दिया गया है, 14 दिन का, मतलब समझ लो क्वारंटाइन टाइप का ये एक सिस्टम है। मेरे को लगा ठीक हो जाएगी, वो वायरल है, और वो वायरल कुछ ख़तरनाक हो गया कि आज 1 हफ्ते हो गए मुझे तबीयत ख़राब हो रही, कभी बुखार आ जाता है अचानक से, ख़त्म चला जाता है, अब ये नहीं पता कि कब वो सही होगा। 14 डेज के लिए बोला, मतलब चार दिन और थोड़ा वो है, हाँ मतलब एकदम एग्जैक्ट 14 डेज तो नहीं, मतलब 14 डेज तक का है, तो उसके पहले ठीक हो जाऊंगी। मेरे किंडर जॉय में निकला था, या जेम्स में निकला था, किसी में तो निकला था, और ये मेरी पेन ड्राइव यहाँ ऐसी पड़ी हुई है, बस ये काजल पड़ा है, अरे ये क्या कर रहा है, इसको फेंको। और क्या, ये जब हम लोग मथुरा गए थे ना तो वहाँ पे मिला था, तो मैंने उसको रख लिया था, तक कुत्ते की घंटी, जब मेरी जब चेरी छोटी थी ना तब ये घंटी उसके लिए लेके आए थे, मतलब उसके पट्टे में, वो जो उसने खा लिया था, एक छोटा सा था, क्यूट सा, तो वो मैं रखी हूँ, तो ये सब मेरी मेमोरीज वाली है। और एक चीज़ और दिखाना चाहूँगी, ये देखो गाइस की, जो कि बड़ी अजीब है, मैं ही फाइनली ये 100 रुपये रखे हैं, ये सब जो मुझे कुछ लोग देते हैं या कुछ ऐसे अंकल, 100 रुपये से ज़्यादा है, ये 100 रुपये था गाइस, ये 100 रुपये, मैं आप लोगों को एक बार दिखाना भूल चुकी थी, यार ये फोकस क्यों हट रहा है, ये 100 रुपये जो देख रहे हैं ना आप, हल्दी लगी हुई है, ये मेरे को दिया था मेरे फूफा जी ने, सगे फूफा जी ने नहीं, दूसरे फूफा जी ने, मतलब हाँ वही कज़न वाले, तो जब मैं शादी में गई थी, क्यों उन्होंने दिया था, क्योंकि उनको मेरा ब्लॉग्स बहुत अच्छे लगे थे, तो ये एक टोकन ऑफ लव है उनके हिसाब से, तो मैंने बहुत अच्छे से खुशी खुशी रखा हुआ है। मैंने डेट नहीं डाली है यार, डेट नहीं डाली, डेट डालना है, मम्मी मारेंगे, डेट डाल के रखना चाहिए हर चीज़ में, तो जो भी मुझे कोई, ये मैं हूँ, दिख क्यों नहीं रही हूँ, ये भी मैं हूँ, जब मैं एम्स पब्लिक स्कूल में पढ़ती थी, भाई कैसी दिखती थी, मेरी नाक देख सकते हैं, आधी गायब सी रहती थी, अब देखो मैं कितनी क्यूट हूँ, नहीं पहले ज़्यादा क्यूट थी। ये है अर्चित विश्वकर्मा, मेरे भ्राता श्री, भ्राता नहीं, अनुज, छोटे भाई बहनों को अनुज बोलते हैं हिंदी संस्कृत में, तो ये है मेरे अनुज जी। और तो और ये देख सकते हैं, ये लड्डू रखे हैं जो इतने सारे, ये सिर्फ अर्चित अनुज जी को खाना है, क्योंकि मैं नहीं खाती हूँ, और मेरे लिए चॉकलेट है और कुछ चॉकलेट्स, फिर उसके बाद मिलती थोड़ी देर में, ये काम पहले मैं ये काम धाम कर लूँ उसके। हैप्पी बर्थडे टू यू, ओह जिसका हैप्पी बर्थडे उसके लिए हैप्पी बर्थडे। किसी को लेकर कि हमारे फ्रीज़र में इतनी सारी वेनिला आइसक्रीम है, होममेड वेनिला आइसक्रीम है, पर ये वेनिला आइसक्रीम नहीं है गाइस, आप लोग बहुत गलती में समझ लेना, ये भी नहीं है व्हिप्ड क्रीम, आप लोग सोच रहे होंगे, तो ये कुछ नहीं है उनमें से, ये है मलाई, इसमें से मम्मी घी बनाती है, मतलब सच में यार ये, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही, अरे यार क्या ये, कुछ हुआ तो नहीं, इसमें से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मेरे से जितनी बनी है स्ट्रॉन्ग डाल दिया, और अगर मम्मी को लगेगा तो और लाऊंगी, तो ये लेके तो जा नहीं सकते, ये बोर्ड के सहित तो मैं अपने हाथों से लेके जाऊंगी, तो मेरे को अपना फ़ोन रखना पड़ेगा, और फिर उसके बाद ऊपर चल के मिलती हूँ, बाय। बताओ कैसी लगी कॉफ़ी मम्मी, कैसी आई, नहीं रही होगी आवाज़, छोड़ दाई,
रन है के रंग पीने अब बच्ची जब बनाई लाई है हाँ। पी लेंगे आज नहीं पीएंगे अब ठीक था दादी अभी नहीं पियेंगी जब तक मैं फेमस हो जाऊंगी तब पियेंगी है ना दादी हाँ। तो अब जब फेमस कर दो तो मैं दादी को चाय कॉफी बना के पिलाऊंगी और वो चमगादड़ एक आने लगा है इनके बॉस चले गए अब बहुत सारे आएंगे धीरे धीरे जब तक कॉफी पी लेती हूँ मैं भी तो यहाँ का टेंट जैसे कि मैंने बताया था कल ओहो ये ट्रेन भी ना रुक जाओ इसको खत्म हो जाने दो पहले हाँ ठीक है तो जैसे मैंने बताया था कि यहाँ का टेंट जो था वो हट चुका है और ये है गाड़ी मतलब लेके जाने वाले यार क्या बोल रही हूँ फालतू की बात अब यार यहाँ देखने में थोड़ा अजीब सा लग रहा है क्योंकि बहुत दिन हो गए थे 15 दिन लगभग तो 15 दिन तक जो यहाँ से लेकर यहाँ तक लगा रहा तो ऐसा लगता था कुछ है अब किसी शादी या कुछ इतना ज़्यादा और फिर उनके छत पे भी लगा रहा अब पूरा हट गया ना तो कुछ अलग सा दिख रहा है पर ये कि यहाँ की रोड जा सकती है क्योंकि हम लोग अगर यहाँ कहीं जाना रहता था तो यहाँ से घूम के जाना पड़ता था तो वो उल्टा पुल्टा पड़ जाता था लेकिन अब सही पड़ रहा है वहाँ पे रहते थे पंडित जी लोग वो साइड करने वाली घर पे तो अब ठीक ही है यहाँ पे लगी अब मुझे ये तीनों उंगलियों में लग चुकी है पलंग से जब मैं चढ़ रही थी अब मुझे लगी है यहाँ पे जो कि रेड रेड है जीवन मेरा नाश हो चुका है या तो मेरे अंदर कुछ मेरे ऊपर कुछ नक्षत्री है या ऐसा कुछ नक्षत्र चल रहा है जो कि मुझे भी नहीं पता मुझसे चलते भी नहीं पता ए प्रभु सहायता करें जैसे कि आपने सुना है अंत भला तो सब भला उसी प्रकार मेरा ये व्लॉग यही समाप्त होता है और आशा करती हूँ कि आप लोग सब लोग कुशल मंगल रहो अपने अपने घरों में और आप लोग जाते जाते मेरे लिए भगवान से ये प्रे कर लेना कि इसकी तबीयत जल्दी से ठीक हो जाए बाकी मैं जल्दी जल्दी फिर उसके बाद वीडियो डालती रहूँगी वैसे थोड़ी आलस को भगा के और मिलते हैं अगले व्लॉग में तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग बाय और कितनी बार बोलूँगी मैं एक ही चीज़ और सब्सक्राइब कर देना लाइक कर देना कमेंट कर देना बाय।